हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे हैवल्स की इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड के बारे में, जो कि ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर के साथ आती है। ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक टेम्परेचर सेटिंग नॉब लगाया गया है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये रॉड ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। यानी कि इस इमर्शन रॉड के साथ आप एक इलेक्ट्रिक गीजर वाला बेनिफिट ले सकते हो। आपकी बाल्टी जलेगी नहीं, पानी ओवर गर्म नहीं होगा। इसका मॉडल नंबर है HP 15 और ये है 1500 वॉट की इमर्शन रॉड। यानी कि जब ये रॉड चलेगी, पानी को गर्म करेगी, तो 1500 वॉट का लोड लेगी। 2 साल की वारंटी के साथ आती है। ऑटोमेटिक कट ऑफ इसका USP है। दोस्तों HP 10 मॉडल भी आता है, वो 1000 वॉट का लोड लेती है। 2 मॉडल आते हैं इसके अंदर। एक और मैं बात बता दूं आपको कि एक HP है ये, जैसे ऐसे ही HB मॉडल भी आता है, बी फॉर बॉम्बे। उसके अंदर आपको टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है और वो सस्ती भी आती है इससे। तो ये एक बार ध्यान से देख कर ही आप लें कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। उसके बाद दोस्तों अदर साइड के ऊपर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिखा है टेम्परेचर सेटिंग नॉब है, यही इसकी बहुत बड़ी खूबी है या फीचर है कि आप पानी का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके बाद ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाती है। वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हीटिंग इंडिकेटर है, जब पानी को गर्म करेगी तो इंडिकेटर शो होगा वहाँ पर। और प्रोटेक्शन कवर लगाया गया है, यानी कि हाथ वगैरह लगने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हाथ नहीं जलेगा। और जो हुक है, बेसिकली बाल्टी में जब हम इसको हुक करेंगे तो वो जो हुक है वो काफ़ी स्टडी है, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। बाकी तो अब हम देख ही लेंगे क्या है। उसके बाद कुछ यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस है कि आइडियल पानी होना चाहिए बकेट में, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। बिल्कुल खाली में तो आप बिल्कुल इसे चला ही नहीं। और 2 ईयर्स की वारंटी है, 1500 वॉट लेगी, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और ये एक टेक्निकल स्टिकर है इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके ऊपर हैवल्स के सारे एड्रेस वगैरह लिखे हैं, कस्टमर केयर के सारे डिटेल्स लिखे हैं और यहाँ पर इसके टेक्निकल डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 1500 वॉट लिखा है, आप देख सकते हैं, और MRP लिखी है 1050। 1050 MRP है, लेकिन ये इमर्शन रॉड मुझे मिली है 950 रुपये की। ये आपको भी 950 या 1000 रुपये के आसपास कहीं भी मिल जाएगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा लुक है इसका और किस तरह से पैकिंग है। तो दोस्तों ये है एक इसका वारंटी कार्ड है, आई थिंक ये, हाँ ये वारंटी कार्ड है, मुझे स्टैंप लगा कर दी है, मैंने ये ऑफलाइन किसी शॉप से ख़रीदी है। और ये दोस्तों एक पॉली बैग के अंदर पैक है, तो इसको चलिए निकालते हैं। हाथ में जब मैंने इसको पकड़ा है, बाहर निकाला है, तो बहुत ही स्टडी ये मेरे को इमर्शन रॉड लगी। मैंने बहुत सारी और भी इमर्शन रॉड्स यूज़ की हुई हैं, बट ये कुछ अलग है, हैवी है और इसका हैंडल भी काफ़ी हैवी है और जो रॉड की मोटाई है वो भी काफ़ी हैवी है। तो चलिए इसके ये थर्माकोल्स मैं रिमूव करता हूँ। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पैकिंग में ये रॉड्स जो हैं आपस में टच ना करें, इनके जो गैप्स हैं वो बने रहें, क्योंकि अगर ये आपस में टच करेंगे तो पानी ठीक से गर्म नहीं हो पाता है और इसकी जो वर्किंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा इसका फाइनल लुक। और ये जो है बेसिकली ये एक वाटर लेवल इंडिकेटर का भी काम करता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको कहाँ तक पानी मिनिमम या मैक्सिमम रखना है। और ये एक टच प्रोटेक्टर का भी काम करता है, यानी कि आप यहाँ से भी अगर पकड़ लेंगे इसे तो आपको शॉक नहीं लगेगा और ना ही आपका हाथ जलेगा। अब बात करें हुक की, तो ये रहा दोस्तों हुक, जो कि बाल्टी में या फिर बकेट में आपको हुक करने पे मदद करता है। तो ये हुक जो है इसी मटेरियल का है, प्लास्टिक का है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, मेटल का देते हैं तो वो मुड़ जाता है, टूट जाता है, तो ये काफ़ी हद तक टूटेगा नहीं और ये अच्छे से काम करेगा और इसमें गैप भी काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग सभी बाल्टियों में ये लग जाएगा।
वायर दोस्तों इसकी लगभग लगभग 1.5 मीटर की है। इसको भी खोल के देख लेते हैं। वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये एक 3 कोर की वायर है, ऑलमोस्ट 1.25 मीटर की होगी। और इसमें दोस्तों ये जो हैवल्स का सॉकेट है ये बड़ा सॉकेट है, यानी कि पावर में ये लगेगा, लाइट वाले में नहीं लगेगा। इसके लिए या तो आपको अडैप्टर लेना होगा या फिर पावर सॉकेट में आप इसको लगाइए। मर्शन रॉड को बकेट में सेट कर दिया है मैंने और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो इंडिकेटर है, जो पानी का लेवल है, वो मीडियम रखा है मैंने। मिनिमम और मैक्स के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं हम। और ये रहा पावर का सॉकेट, तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर अपना ये थर्मोस्टेटिक मीटर डाला हुआ है, तो अभी ठंडा ये पानी है और ये 18.9 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर है। तो आप देखते हैं कि ये इमर्शन रॉड, इसको हम पहले लो पे सेट करते हैं। तो ये लो पे ही है अभी, तो सबसे पहले इसको लो पे चेक करेंगे, उसके बाद मीडियम पे और फिर हाई के ऊपर। तो चलिए बटन ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि रॉड के ऊपर इंडिकेटर आ चुका है और पानी अब गर्म होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टाइम मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कितना टाइम लगा इसको मीडियम पे आने पे, लो पे आने पे या हाई पे आने पे, क्योंकि पानी जो आप गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। अब जो मेरे पास जो पानी है उसका टेम्परेचर इतना है, हो सकता है जो आप पानी गर्म कर रहे हो उसका टेम्परेचर कुछ अलग हो, तो ऐसे में जो गर्म करने का समय है वो डिफरेंट हो सकता है। और पानी का जो वॉल्यूम है, यानी कि अब ये 20 लीटर की बाल्टी है, हो सकता है आप 10 लीटर पानी गर्म कर रहे हो। तो समय का कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये रॉड लो पे कितना टेम्परेचर पे कट ऑफ करती है, मीडियम पे कितना और हाई पे कितना। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। लगभग लगभग 1 मिनट हुआ होगा शायद, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ये 18.6 था, आई थिंक 18.8 या 9 था कुछ, अब ये 19.2 हो गया है। तो अब धीरे धीरे पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह से किसी भी इमर्शन रॉड में जब पानी गर्म होता है तो बबल्स बनते हैं। तो अब देखते हैं कि कितना समय लगेगा लो पे आने पे, मैं ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। कट ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर बंद हो गया है रॉड का और ये लो की सेटिंग पे आप देख सकते हैं ये डॉट जो है ये लो पर है। और जो टेम्परेचर है पानी का वो दोस्तों 31.5 डिग्री सेल्सियस है। अब जबकि ये बंद हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं हाथ डालने में, तो हाथ डाल के मैं देख रहा हूँ पानी गुनगुना सा हुआ है, मतलब इससे ल्यूक वार्म वाटर आप इसे कह सकते हैं। कुछ लोग इससे नहा सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा गर्म पानी नहाने में पसंद है, तो ये बिल्कुल लो है। अगर आपको बिल्कुल ही कुनकुना पानी चाहिए तो आप लो पे इसे चला सकते हैं और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 32 डिग्री के आसपास हो गया है इस पानी का। तो अब हम इसको मीडियम पे ट्राई करेंगे कि मीडियम पे कितने टेम्परेचर के ऊपर ये कट ऑफ होती है। तो अब इसको सिंपली हमने मीडियम पे ले लेना है और आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो हो गया है और ये दोबारा से वर्किंग स्टार्ट हो गई है इसकी। अब दोस्तों मैं अपना मोबाइल स्टैंड पे लगा रहा हूँ क्योंकि हाथ मेरा थक गया है पकड़े पकड़े, ताकि ये सारी चीज़ें विदाउट एनी स्किप और कट आपको रिकॉर्ड होकर के दिख जाएं।
फाइनली मीडियम सेटिंग के ऊपर, ये देखिए मीडियम सेटिंग के ऊपर कट ऑफ हो चुकी है ये रॉड, और जो पानी है उसमें से भाप या फिर धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, और टेम्परेचर जो पानी का है वो मैं आपको साथ में दिखा ही रहा था, ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी गर्म हो चुका है, मीडियम सेटिंग के मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको हाथ लगा कर देखूँ तो काफ़ी गर्म ये पानी है। इसको आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हो किसी भी काम के लिए, अगर आपको बर्तन भी धोने हैं, इवन नहाने के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, इसमें आपको ठंडा मिलाना ही पड़ेगा। तो मीडियम सेटिंग के ऊपर ये लगभग 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी को गर्म करती है और उसके बाद कट ऑफ होती है। अब इसका जो लास्ट हमने देखना है कि हाई के ऊपर अब ये कितने टेम्परेचर के ऊपर कट करेगी, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसका डायल घुमाया तो ये दोबारा से ऑन हो गई और यहाँ पर रीडिंग्स भी अब स्टार्ट हो गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये लास्ट जो इसका हाई सेटिंग है उसके ऊपर पानी को किस टेम्परेचर तक लेके जाती है और फिर कट ऑफ होती है। तो फाइनली दोस्तों रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, हाई के ऊपर पानी को 73 डिग्री के ऊपर इसने गर्म किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 73 डिग्री के ऊपर ये पानी गर्म हो चुका है हाई सेटिंग के ऊपर, और पानी इतना गर्म है कि हाथ डालना बहुत ही मुश्किल है इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ये पानी हो चुका है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले इसका बटन बंद कर लेते हैं कि ये जो सेटिंग्स हैं बेसिकली इसकी, ये लो मीडियम हाई, अभी फ़िलहाल हाई के ऊपर है ये, तो इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हो बीच में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मीडियम ही करना है लो ही करना है, तो कहीं भी आप सेट कर सकते हो इसको। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि जो इसके ऊपर लो मीडियम और हाई है वहाँ पर हमें ये पता लग सके कि ये कितने टेम्परेचर के ऊपर पानी को गर्म करती है। काफ़ी जल्दी इसने पानी गर्म किया और जो इसकी ये थर्मोस्टेटिक और टेम्परेचर सेटिंग नॉब है ये बहुत ही इम्प्रेस करती है किसी भी यूज़र को, क्योंकि इस चीज़ से आपकी बाल्टी ख़राब नहीं होगी कभी और आपका जो पानी है वो कभी भी ओवरहीट नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1500 वॉट की है, तो एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही और देखेंगे कि क्या ये सच में 1500 वॉट की ही पावर कंज्यूम करती है या उससे ज़्यादा करती है या फिर करती है उससे कम, क्योंकि इसका पावर कंजम्पशन भी मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि टेम्परेचर सेटिंग से पावर कंजम्पशन कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, वो जितना लोड लेती है उतना ही लोड लेगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप लो पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली बिजली कम ही खर्च होगी क्योंकि वो कम टाइम के लिए चलेगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस रॉड को ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर सकते हैं और करंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से इस प्राइस के ऊपर इस फीचर के साथ ये रॉड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।